बिंदास कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। बीते लंबे समय से ये प्यारा सा कपल एक दूसरे को डेट कर रहा है। अक्सर देखा जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत करते हुए देखे जाते हैं। जहां एक ओर मलाइका और अर्जुन की शादी को लेकर अफवाहें उड़ती रहती हैं, वहीं दूसरी ही तरफ दोनों अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल के चलते भी काफ़ी लाइमलाइट में बने रहते हैं। वल बताना चाहेंगे आप सभी को, हाल ही में खबरों के मुताबिक सामने आया है कि अब अर्जुन कपूर करोड़ों के आलीशान घर के मालिक बन चुके हैं। यूं तो अर्जुन कपूर पहले से ही शानदार घर में रहते हैं जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है, तो वहीं अर्जुन कपूर अब एक और शानदार करोड़ों की कीमत वाले घर के मालिक बन चुके हैं। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि अर्जुन कपूर ने मुंबई के बैंड्रा वेस्ट में एक शानदार लग्जरियस स्काई विला खरीदा है, जिसकी वजह से अर्जुन कपूर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। खास बात यह है कि अर्जुन कपूर से पहले मलाइका अरोड़ा ने यहां पर एक स्काई विला खरीद रखा है। इस स्काई विला की तस्वीरें आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में, जो कि अंदर से वाकई में बेहद लग्जरियस और खूबसूरत है। अर्जुन कपूर ने ये स्काई विला 20 करोड़ रुपीस में खरीदा है। जी हां, खबरों के मुताबिक इसकी कीमत सामने आई है और इस बहुमंजिला इमारत में स्काई विला खरीदा है जिसका नाम है 81 ओरिएंट। इस इमारत में 81 स्काई विला है और ये पूरा टावर एक इंटरनेशनली डिजाइन टावर है जिसे विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर HBA ने डिजाइन किया है। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि अर्जुन कपूर का स्काई विला 4 BHK है, जिसमें 4212 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया भी है। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में अर्जुन कपूर का ये शानदार लग्जरियस स्काई विला। साथ ही साथ जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस स्काई विला से बैंड्रा वर्ली सीलिंग विशाल अरब सागर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है और मुंबई शहर की ग्लिटरिंग स्काई लाइन भी नज़र आती है। इस टावर की खास बात ये है कि इस स्काई विला में कई स्विमिंग पूल, जकूजी, बार कैब्यू, कॉर्नर जिम, स्पा, योग डेक, मिनी गोल्फ एरिया, पेट कॉर्नर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी और भी कई सुविधाएं मौजूद हैं। और अर्जुन कपूर इस शानदार स्काई विला के अब मालिक बन चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।